की गंगोह विधानसभा में होने जा रहा 2022 का चुनाव रोचक मोड़ की ओर रुख कर रहा है। कुछ लोगों ने पुराने विधायक चौधरी कीरत सिंह पर ही जताई अपनी आस्था, तो कहीं कुछ लोगों ने विकास एवं सुरक्षा के मुद्दे को लेकर वोटिंग का बनाया मूड, फिर भी एक ही पाले में जाती नजर आ रही है। विधानसभा क्षेत्र में जैसे जैसे मतदान तारीख नजदीक आती जा रही है, ठीक वैसे वैसे ही मतदाता विकास एवं सुरक्षा के मुद्दे को तलाश प्रभावशाली पार्टियों की ओर अपना रुख कर रहा है। लाइव देखिए विधानसभा गंगोह क्षेत्र से सहारा टीवी लाइव अरविंद चौहान के साथ। नमस्कार, खड़े हैं गंगोह विधानसभा अक्ष क्षेत्र में, यहाँ जानते हैं कुछ लोगों की राय। मैं आपका दोस्त अरविंद चौहान, सहारा टीवी लाइव। हमारे साथ नवाब प्रधान जी हैं, गांव मनोरा से। प्रधान जी, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव एक तरफा बीजेपी चौधरी किरत सिंह। नहीं, बीजेपी चौधरी किरत सिंह कैसे है? दो लोग और भी मैदान में हैं, चौधरी इंद्र सैन जी, नौमान मसूद जी। वो तो दो लोग तो पहले भी मैदान में थे, दोनों में दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे, दूसरे पर कौन सा रहे, तीसरे पर कौन सा रहे। तो स्थिति कैसी रहने वाली है इस चुनाव? अब की बार हम इतनी ओटों से भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, जैसे प्रदीप चौधरी जीतता था 40-41 हज़ार से जीतने जा रहे। एक और बताया था, नड़ोत्ता ब्लॉक से पहले हम 10-15 हज़ार की लीड लेके जाएंगे गंगो ब्लॉक में। और जैसा ये इधर का क्षेत्र है, नखड़ोती क्षेत्र है, ये चला गया जमुना का क्षेत्र। ये जमुना का क्षेत्र तो हत्ती उत्ती या साइकिल उसका है जो मुस्लिम है, जो हमारे हैं सैनी समाज, कश्यप समाज, पाल समाज, ब्राह्मण समाज, ये सब हमारे साथ है, विश्वकर्मा समाज। तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो इसको आप कैसे देख रहे हो? ये तो आप भी जानो शर्मा जी, आप भी इसी क्षेत्र के हो, पत्रकार हो, लंबा अनुभव है, आपने नहीं पता दूधला जो अड्डा है उधर, दूधले अड्डे से हमारी जो बेटियां स्कूल में पढ़न जाती, उस दिन के बाद में कोई ऐसी घटना हुई? कोई भी 5 साल में कोई घटना नहीं, उन्हें मरी लड़कियों का यहाँ स्कूल में आने के का बिल्कुल कतई परेशान कर दी थी, स्कूल में पढ़ना भी बंद हो गया था लड़कियों का। आज दूधला, इससे पर अर्जी, बिलासपुर, मोड़ा सब जागती उत्साह में साइकिल से इकलिया में, कोई भी गुंडागर्दी नहीं है, इतना भी साले सारे बिल में बढ़े रहे हैं। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? आपने भी पता है तो सबने पता बता, इससे भी पता 300 प्लस बीजेपी, योगी जी का डंडा, योगी जी का डंडा जो है नहीं, इतना मजबूत मान लिया यहाँ की जनता ने, उस डंडे ने 10-20 साल दी। इस बार जो जनता वोटिंग करने जा रही है, तो ये विकास पे दे रही है योगी जी को वोट या सुरक्षा के मुद्दे पे दे? कानून व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था, सुरक्षा जो है नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जान है तो जान है, जब जान नहीं तो नहीं है, जब हामी नहीं है तो आगे जो है नहीं वो तुम कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, उनसे जानते हैं। अब भाई जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरताज विराट। सरताज जी, सरताज कमेड़ा जी। जी 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 जी, आप क्या कहोगे, अभी चुनाव को कैसे आंक रहे हो? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही जी यहाँ से। किसके साथ में आपका चुनाव है? किसी के साथ नहीं है जी, ये जनता का चुनाव है और गुंडों का चुनाव है। जनता चुन लेगी भाजपा को और 30 हज़ार विधायक जीत रहे हैं। यहाँ विधायक जी यहाँ एक नाम है जिसके साथ ब्रांड है, विधायक जी यहाँ से एक ठीक है जिसके साथ जनता जुट रही। विधायक जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता नहीं है, वे जनता साथ मिलकर काम करें। इस विधानसभा का पता करो, चाहे PWD का पैसा हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे टंकी हो, सब 70% में डिक्टेशन मिली हर काम में विधायक जी ने। विधायक जी लगातार काम कर रहे हैं फील्ड में। जी 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 जी, हमारे साथ कुछ और साथी हैं जी। सुधीर जी, आपका नमस्कार, स्वागत है आपका सहारा टीवी लाइव में। आप क्या कहना, आप क्या कहोगे इस चुनाव को? देखिए, चुनाव तो बहुत क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, योगी जी की सरकार होगी। और जहाँ तक योगी जी के मुद्दों की बात है, आप देख लीजिए, जहाँ तक सुरक्षा का मुद्दा है, अभी भाइयों ने बताया सुरक्षा का है और विकास का है, और विकास का तो अब जनपद सहारनपुर के अंदर जो भी पैसा आया है, चाहे वो PWD का आया हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य का आया हो, जो आपके ऑक्सीजन प्लांट लगे, 70% जो पैसा है वो गंगोह विधानसभा में लगा है, ये सबको जानकारी है। और रही बात, लगभग 40 टंकियां माननीय विधायक जी ने गंगोह विधानसभा में दी, बहुत विकास हुआ है और सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं समझता हूँ इस बार बहुत पिछले पूरे सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय चौधरी कीरत सिंह विधायक बनेंगे। करीब 2.25 साल में क्या विधायक जी की लोकप्रियता बढ़ी है क्षेत्र में? ये तो आप लोगों से पूछिए, एक तरफा आप जानिए, लोगों से पूछिए। 2 साल में उस घर तक पहुंच गया यूं, 2 साल में जिस घर में आज तक वो 30-40 साल तक नहीं पहुँच पाए, आज 30-40 साल तक उस घर तक नहीं पहुंच पाए, उस घर तक एंट्री कर दी से विधायक ने, एक गांव में 20-30 बार। जी जी जी, कुछ और साथी हैं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादल प्रधान है जी। आप क्या कहोगे अब इस चुनाव को? हमारे यहाँ भाजपा क्लियर है जी,
किसकी टक्कर में? टक्कर में किसे मान रहे हो? टक्कर में कोई है नहीं हमारे यहाँ, विधायक जी क्लियर है। कौन से गांव से हो आप? गांव तो तारपुर है जी, गांव तो तारपुर है। विकास के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, हर चीज़ में हमारे विधायक जी और सरकार सक्षम है। और कोई भी साथी है उसका तन मन धन साथ दे रहे, चाहे 12 बजे फ़ोन कर लो विधायक जी पे, चाहे उन्हें तुरंत दोबारा कॉल करते हैं, और विधायक जी हर काम में हर लोगों के साथ दुख सुख में खड़े रहते हैं। जी जी धन्यवाद। आप क्या कहोगे भाई? भाई साहब हमारा तो एक ही नारा है, चौधरी युवा किधर जा रहा है इस बार इस चुनाव में? युवा तो भाजपा के साथ है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इबका चौधरी किरत सिंह कोई तो कह रहा है 1 लाख पार, हम कह रहे हैं 1.25 लाख पार। चौधरी किरत सिंह 30-35-40 हज़ार रोटो जीतेंगे। और इस विधानसभा में इतना कार्य उन्होंने कराया 2.5 साल में, हम पिछली बार चौधरी रुद्र सैन सिंह गिल्लो देंद्र सैन के, और हमें देखा कि ये हमारे गाँव में भी 5-6 बार आए। पिछली बार इन्होंने 141-142 वोट मेरे गांव में तो मिली थी मनोरमा में, और इनको उन्होंने 500+ वोट मेरे गांव में मिलने के लिए जारी, क्योंकि उन्होंने फील्ड के अंदर इतना कार्य किया कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी हुई है कि बिकाए में 1.25 लाख पार। क्या आपका शुभ नाम क्या? अनुज चौधरी, गाँव मनोरा जी। धन्यवाद। नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी कहाँ से हो आप? इस्सापुर से। इस्सापुर कलाल्टी? हाँ जी। इस चुनाव को कैसे देख रहे हो? जोर का होगा हमारे आँख में बात। विधायक किसे बना रहे हो इस बार? किरत ने। वोट किसे दोगे? किरत तो भाजपा तो देंगे, योगी तो देंगे। नहीं, किरत जी से दोगे या योगी जी से दोगे? नहीं, योगी तो वहाँ तक लड़ेगा अपनी सीट पर तक, सरकार तो उसी की बनेगी, योगी की। किरत ने जिता के भेजेंगे वहाँ। नहीं, किस आधार पर वोट दे रहे हो? दूसरी पार्टी भी मैदान में, सपा भी है, बसपा भी है, विकास के लिए दे रहे हो या गुंडागर्दी के लिए दे रहे हो? शांति जो है, शांति इसी पार्टी से मिली। क्या योगी सरकार में? योगी सरकार से मिली। सबसे बड़ा सुख दुनिया में शांति। क्या मजदूर किसान गरीब सुरक्षित है इस सरकार? बहुत ही आराम से है, बहुत ही मजदूर किसान सब ठीक है, सब ठीक है। जी वोट हम यहाँ से निकल, वोट किसे दोगे इस बार? वो हम वोट देंगे अपने योगी जी को। योगी जी को दोगे या विधायक किरत जी को दोगे? नहीं, इधर चौधरी इंदर सैन जी भी मैदान में है। पेड़ की जड़ में पानी गिरो तो फुंगड़ आप ही हरी हो जाए, अगर पेड़ में पानी नहीं गिरोगे तो फुंगड़ भी सूख जाएगी। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सतपाल है जी। सतपाल जी कहाँ से हो आप? चोपरे है जी, चोपरा ढलावली। हाँ जी। इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हो? अजी बहुत बढ़िया। वोट किसे करोगे इस बार? अजी योगी जी देंगे। योगी जी को दोगे? हाँ जी। किरत जी को नहीं? अजी किरत भी वही है, योगी को नहीं आ रहा। और योगी को क्राइम बढ़ाया घटाया? अजी सुरक्षा कर रही हमारी, दया बढ़िया कर रही, योगी जी भी कर रही। तो वोट किधर जा रहा है? अजी योगी जी ने देंगे, मोदी जी ने देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, धन्यवाद। कुछ और साथी हैं हमारे साथ में भाई, क्या नाम है जी आप? जगविंदर जी है जी। जगविंदर जी कहाँ से हो? चोपरा है जी। अच्छा, चोपरा। इस बार वोट किधर जा रहा है आपका? फूल बाजार है जी। नहीं, और लोग भी तो मैदान में, और उसे क्यों नहीं दे रहे हो? हम तो देते नहीं जी, फूल पर देंगे हमारा तो जी। सड़क पर पहले साइकिल खुद जाती, मोटरसाइकिल खुद जाती, डंगर मैस नहीं थमन देता कोई करो, और जी बस मजा आ रहा हमारा तो फुल्लम फुल। क्या योगी सरकार में सुरक्षित हो आप? हाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं जी, हम दोनों को आज सारी उम्र यही रहे थे हमारी जिंदगी।